नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। जैसा कि दोस्तों आंसर की सभी की जारी हो चुकी है और सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 25,000 स्टूडेंट्स पर जो सर्वे किया गया था उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ क्या रहेगी उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दिया है, तो आप हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर फाइनल कट ऑफ देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ सब्सक्राइबर्स हमारे कुछ दोस्त बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि सर आंसर की में कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हैं और हमारे पास उनके प्रूफ भी हैं, तो हम उनको कैसे ठीक करवाएं। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि यदि आपके पास प्रूफ हैं तो आप आंसर की को कैसे चेंज करवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साइड में इस घंटी के आइकन को आप जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहें। अब दोस्तों जो आंसर की जारी हुई है और उसमें कुछ प्रश्नों को लेकर आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर गलत है और आपके पास उसका प्रूफ भी है, तो आप HSC को यह बता सकते हैं कि यदि आपका प्रूफ सही हुआ तो HSC वह आंसर आपका चेंज कर देगी और फिर से फाइनल आंसर की आपके जारी होगी। तो अब हम आपको बताते हैं आंसर की पर ऑब्जेक्शन डालने की पूरी प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको आपकी जीमेल आईडी पर जाना होगा और वहां से आपको ईमेल टाइप करनी होगी HSSCSECYOBJECTION@gmail.com। ईमेल को आप ध्यानपूर्वक लिख लें, ईमेल आपको सही टाइप करनी है। इसके बाद आपको इसके सब्जेक्ट में लिखना है कि ग्रुप डी आंसर की ऑब्जेक्शन। इसके बाद फिर आपको नीचे मैसेज बॉक्स में लिखना है सबसे ऊपर एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018, उसके बाद आपका रोल नंबर लिखना है, उसके बाद पोस्ट का नेम ग्रुप डी और उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम कि आपका एग्जाम किस दिन था। फिर इसके बाद शिफ्ट ऑफ एग्जाम मॉर्निंग या इवनिंग और उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर सीरीज नंबर यानी सेट नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद क्वेश्चन डिटेल वह पर्सन आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है कि HSSC आंसर कि इन्होंने क्या आंसर माना है और इसके बाद लिखना है आपको माई आंसर कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, और लास्ट में आपको प्रूफ ऑफ माय आंसर जो आप आंसर दे रहे हैं उसका आपके पास क्या प्रूफ है, चाहे तो आप रिटर्न में यहाँ लिख सकते हैं या फिर फोटो PDF या स्क्रीन शॉट भेज सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको राय दूंगा कि यदि आपका आंसर सही है तो कम से कम इसके आप दो प्रूफ या दो सबूत पेश कीजिए, पर आप प्रूफ जिस बुक से दे रहे हैं वह बुक गवर्नमेंट होनी चाहिए या फिर किसी अच्छे राइटर से लिखी हुई होनी चाहिए, यानी किसी अच्छी बुक का प्रूफ ही आप पेश करें ताकि HSSC को उस पर एक्शन ले सके। दोस्तों किन किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन है वह फिलहाल हम आपको नहीं बता सकते, चैनल की कुछ लिमिट होती है। साथ ही दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप कोई भी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।